रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त मोहम्मद साकीब के रांची स्थित आवास पर नाबालिग आदिवासी लड़की से रेप का मामला गर्म हो गया है। आरपीएफ के ही एक जवान पर रेप का आरोप है। आरोपी जवान शंभुनाथ को बगैर प्राथमिकी दर्ज हुए सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया, लेकिन अब तक पीड़िता का पता नहीं है। पीड़िता ना तो CWUC पहुंची है और ना ही पुलिस के पास। इस मामले का संज्ञान लेकर CWUC ने रांची की चुटिया थाना की पुलिस को पत्र लिखकर पीड़िता की तलाश कर उसे आयोग के पास लाने को कहा है। CWUC की अध्यक्ष रूपा वर्मा ने इस संबंध में बताया कि घटना के बारे में जो जानकारी मिली थी वो शर्मिंदा करने वाली है। रेल पुलिस अधिकारी के आवास पर वारदात हुई, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस के पास भी नहीं है। यहाँ तक कि पीड़िता बच्ची इस समय कहाँ है यह भी कोई नहीं जानता है। बच्ची कहीं बंधक है या फिर उसे कहीं छुपा दिया गया है, यह पता लगाना पुलिस का काम है। दूसरी तरफ इतने बड़े मामले में अभी तक ना तो रेल पुलिस और ना ही रांची के चुटिया थाना में ही कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जानकारी यह भी मिल रही है कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया गया है। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।